तालिबान लगातार अफगानिस्तान में खूनी खेल खेल रहा है और इसके लिए उसने साथ मांगा है तुर्की का। जी हां, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने तुर्की से अपने काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए मदद मांगी है, यानी कि पाकिस्तान के बाद अब तालिबान धीरे धीरे तुर्की के साथ आता दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुर्की तालिबान की मदद करेगा और क्या वो अपने उस बयान से पलटेगा जिसमें उसने कहा था कि तालिबान अपने भाइयों की जमीन पर कब्जा खत्म करे। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान कई बार आतंकियों की मदद करते पाए गए हैं और ये बात तालिबान अच्छे से जानता है और इसके लिए तालिबान ने तुर्की से अपने काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए मदद मांगी है। इस बात की पुष्टि खुद तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने की। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि तालिबान ने तुर्की से काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने को कहा, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हम इस पर तब फैसला लेंगे जब अफगानिस्तान में सरकार पर स्पष्टता हो जाएगी। तालिबान के साथ काबुल के दूतावास में 3 घंटे से ज्यादा समय तक बैठक चली। जरूरत हुई तो इस तरह की अन्य बैठकें भी होंगी। काबुल से तुर्की के सैनिकों की निकासी का अभियान चल रहा है। इसकी शुरुआत बुधवार से ही हुई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर 15 अगस्त को तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद तालिबान ने अगली सरकार बनाने की शुरुआत कर दी थी। इस बीच गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर हुए कई धमाकों की वजह से दुनिया दहल गई। इसमें अमेरिका के भी कई सैनिकों की जान गई। इसके तुरंत बाद भारत ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल धमाकों की निंदा की। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत आज काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम इस आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही घायलों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। आज के हमले फिर इस बात को मजबूत करते हैं कि आतंकवाद और आतंकियों को मदद करने वालों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। खैर, काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात के बीच अमेरिका, भारत समेत विभिन्न देशों का रेस्क्यू अभियान जारी है। अब तक अफगान नागरिकों समेत कई हजारों लोगों को देश लाया जा चुका है। इसके अलावा अमेरिका भी 31 अगस्त को अपने रेस्क्यू अभियान को पूरा करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।